हाय फ्रेंड्स, आज आप पढ़ने वाले हैं परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनरल साइंस के टॉपिक को, जिसमें आपको हम पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन तक एमसीक्यू प्रश्नों को बताए थे। आज उसके आगे के प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती हैं जहां तड़ित झंझा आती है। तड़ित झंझा, तो देखिए इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, आइसोहाइट्स, आइसोक्रोन्स, आइसोब्रोन्स, आइसोफिन्स। तो ये आपका जो है आइसोब्रोन्स जो आपका है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 51। अब इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 52, तापमान घटने के साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध, तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध घटता जाता है, बढ़ता जाता है, अपरिवर्तित रहता है, शुरू में घटता जाता है और उसके बाद बढ़ता जाता है। तो इसमें आपका यदि किसी भी वस्तु के ताप को घटाते हैं तो वहाँ पे उसका प्रतिरोध घटता जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। तो इसमें भी चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी जोसेफ स्पीडन ये पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कारक हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, भारत की पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी यह आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, परमाणु बम के विस्फोटक में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है परमाणु बम में। तो देखिए, भारी मात्रा में ऊर्जा, यह द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होता है, द्रव्य का या पदार्थ का ऊर्जा में परिवर्तन होता है जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी। तो ये एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण किया गया था और किसके लिए किया गया था, तो यहाँ पे आपका है डायनामाइट के आविष्कार के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान, यानी इनको जो है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये आपके हैं बोरान और कैडमियम, ये जो है न्यूट्रॉन अवशोषक तत्व हैं, इनके द्वारा नाभिकीय विखंडन के दौरान न्यूट्रॉनों को अवशोषित कराया जाता है, जिससे नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया धीमी हो सकती है अथवा रोकी जा सकती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे इंजन की बचत होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है।
पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। इसमें कई धातुएं लिखी गई हैं, आर्सेनिक, सीसा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिनमें से आर्सेनिक जो है ये ऐसी धातु है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है। तो यूरेनियम के विखंडन में यानी इस प्रक्रिया को लगातार चालू रखने के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों दिया गया है, जबकि यूरेनियम के विखंडन में न्यूट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। न्यूट्रॉन इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 60 में न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन दिया गया है, न्यूट्रॉनों नहीं है, न्यूट्रॉन है। तो क्वेश्चन नंबर 60 में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, ट्राई नाइट्रोटालुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो इसमें आपका जो अमोनियम नाइट्रेट है इसके मिश्रण से ट्राई नाइट्रोटालुइन का विस्फोट कराया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, सौर ऊर्जा का कारण है। सौर ऊर्जा का कारण चार ऑप्शंस हैं, संलयन अपक्रिया, विखंडन अपक्रिया, दहन अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया। तो सौर ऊर्जा में संलयन अभिक्रियाएँ होती हैं, छोटे छोटे नाभिक बड़े नाभिकों में संलयित होते हैं और संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों तथा उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। सनलाइट उद्योग, स्टार स्ट्रक उद्योग, सनशाइन उद्योग, सनराइज उद्योग। तो इसमें से यह आपका सनराइज उद्योग जो है ये विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योग है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या जैव प्रौद्योगिकी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। अब यहाँ भी चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से ऑप्शन नंबर बी प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता यह जो है निर्गम उपकरण नहीं है, बाकी सभी निर्गम उपकरण हैं। इंकजेट मुद्रक और स्पीकर ये निर्गम उपकरण हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65, सूर्य का प्रकाश तापमान वर्षा दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं। तो ये एक साथ जो है एक साथ जलावैवी कारक को ये एक साथ मिलकर बनाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, सौर ऊर्जा प्रणाली की खोज किसने की थी। तो इसमें भी चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से जो आपके वैज्ञानिक हैं केपलर ने ही सौर ऊर्जा प्रणाली की खोज की थी। इन्होंने सौर ऊर्जा पर आधारित नियम दिया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67, भारत में न्यूक्ली विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था। श्रीहरिकोटा में, बंगलोर में, पोखरण में, काचीपुरम में। तो चार ऑप्शंस हैं, जिनमें से ये आपका ऑप्शन नंबर सी पोखरण में, यहीं पे न्यूक्ली विस्फोटक साधनों का परीक्षण भारत में किया गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68, 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर क्या द्योतित करता है। तो जी अक्षर यह जो है क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्या द्योतित कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है जेनरेशन, 2G स्पेक्ट्रम में जेनरेशन को, 2G यानी कैपिटल जी जो है ये जनरेशन को द्योतित करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69, आटोहान किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं। आटोहान ये जो है आविष्कारक हैं एटम बम के आविष्कारक हैं आटोहान। तो ये क्वेश्चन नंबर 69 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो यहाँ पे जो आपका ये त्रिशूल है, त्रिशूल
यह भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71। भारत में समस्त अंतरिक्षयान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें आपका जो है ये ऑप्शन नंबर डी हासन कर्नाटक में ये इसका मुख्यालय स्थित है। अंतरिक्षयान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72। पायसी कारक एक एजेंट है जो, चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, कौन सा है? तो यहाँ पे पायस को अस्थाई कर देता है। पायसी कारक एक एजेंट है जो पायस को अस्थाई कर देता है। यही ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि, अब इसमें भी चार ऑप्शंस दिए गए हैं, बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। बर्फ का घनत्व जो होता है वो पानी की अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए बर्फ पानी में तैरती है। तो यहाँ पे 73 में ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? अब इसमें भी चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से यहाँ देखिए चार ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, उनमें अतिरिक्त वायुकोष होते हैं, पक्षियों में जो होते हैं वो अतिरिक्त वायुकोष पाए जाते हैं, इसीलिए ऊंचाई पर उड़ते समय इन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 74। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75। तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें, अब यहाँ भी चार ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से ऑप्शन नंबर ए, सड़क पर पानी स्थिर हो जाता है, यानी जब सड़क पर तारकोल की सड़कों पर पानी जम जाता है, पानी एकत्रित हो जाता है, तभी वहाँ पे टूट फूट होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? अब पिक्नोमीटर यह घनत्व को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77। सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ आपकी जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, सूखी बर्फ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78। भारत की मिसाइल अग्नि 2 है, तो भारत की मिसाइल अग्नि 2 या पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल है अग्नि 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 78। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79। घरेलू प्रतिशीतित्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो इसमें आपका जो प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं वह है फ्रेयान, यानी फ्रेयान। क्वेश्चन नंबर 79 में ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का आदि प्रारूप जिसकी सफल उड़ान भारतीय वायुसेना द्वारा जनवरी 2001 में की गई, उसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में किस कारखाने में किया गया? तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 80 में ऑप्शन नंबर बी बंगलुरु में किया गया था। बंगलुरु यहां पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद कि प्रत्येक दिन की वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।